हाय फ्रेंड्स, मैं कल का कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट किया था कोई भी दुर्ग से हो तो मिलने के लिए, फाइनली निशांत अग्रवाल और सूर्यकांत पटेल दोनों हमारा सब्सक्राइबर है, तुरंत आया हुआ संडे है। इनका पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। फाइनली छत्तीसगढ़ से हमारा दो सब्सक्राइबर भाई साहब आया हुआ है अपना वॉलरशिप रिव्यू के लिए। चलिए आपका परिचय। मेरा नाम निशांत अग्रवाल है, मैं भिलाई हुडको सेक्टर में रहता हूँ। परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत पटेल, मैं भिलाई सेक्टर 7 से हूँ और मेरा गाड़ी 6.5 महीना हो गया है और 6,302 किलोमीटर कुछ चल चुका है। सर आपका कितना चला है अभी तक? मेरा 7,000 किलोमीटर के लगभग चल गया सर। दोनों का S1 प्रो मॉडल है, कोई लॉकड वर्जन नहीं है, दोनों S1 प्रो है। एक मैट ब्लू है, एक रेड कलर है। चलिए, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, गाड़ी में क्या दिक्कतें हुए, सारे मैं एक एक से जान के आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, इतना दूर से आया हुआ है, मैं बाहर में आया हुआ तो। नो प्रॉब्लम। चलिए, आपने कब परचेज किया? मैंने 25 मई को परचेज किया था, जब परचेज डेट ओपन हुआ था। उसके बाद मुझे 16 जून को डिलीवरी मिला विद टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नागपुर, ठीक है। एंड आफ्टर 20 डेज मेरे गाड़ी में एक मेजर प्रॉब्लम आया। मेजर प्रॉब्लम ये था, जैसे अपन गाड़ी चला रहे, ठीक है, गाड़ी अपने आप डेड हो गई, ठीक है, और उसमें कुछ अपन को रिबूट का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, ना हार्ड रिसेट करने से भी ऑन हुआ, और बैटरी 65 था उस टाइम कुछ, फिर भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैंने RSA बुक किया, RSA बुक करके उन्होंने पिक किया, नेक्स्ट डे गाड़ी छोड़ा, नॉर्मल सही हो गया। फिर 7 दिन के बाद करेक्ट दोबारा सेम प्रॉब्लम आया। सेम प्रॉब्लम आने के बाद फिर टेक्नीशियन ने देखा, चेक किया, VCU चेक किया, फिर वायरिंग वगैरह चेक किया कि कहीं कुछ लूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर सर्विस सेंटर ले गए। सर्विस सेंटर लेके गए तो 14 दिन करीबन सर्विस सेंटर में गाड़ी था। बीच में मैं जब कॉल लगाता था तभी अपडेट मिलता था, और फिर गाड़ी बन के तो आ गई, बहुत टाइम लगी 14 दिन, ठीक है। उन्होंने पहले 1 हफ्ता बोला था, लेकिन फिर उसके बाद एक मेन इशू आया था कि जो रूट कॉज था प्रॉब्लम का, कि वो MCU से रिलेटेड था कि वायरिंग से, कि अपना जो VCU प्रॉब्लम था या जो भी बैटरी प्रॉब्लम था, मुझे सर्विस टेक्नीशियन ने कोई क्लियर नहीं किया, बस बोले कि हमारे तरफ से मना है। तो मैंने सिंपल उनसे एक क्वेश्चन किया, मैं बोला देखो भाई, गाड़ी जब हमारा है तो हमको पता रहना चाहिए कि क्या इशू है, ठीक है। बट उन्होंने बोल दिया कि कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है। उन्होंने बस ये बोला कि 3 वर्ड का लेटर है। 3 वर्ड का क्या है, एक MCU हो सकता है, एक VCU हो सकता है। फिर मैंने उन्हें कैसे भी जुगाड़ करके पता किया, तो बोले 2 चीज़ का ही हो सकता है, या VCU MCU। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ओला इलेक्ट्रिक से कि भाई जो भी इशू है वो क्लियरली बता, क्लियर होना चाहिए। हाँ, मतलब क्या इशू था, वायरिंग का इशू था या रेड इशू था, जो भी इशू है क्लियर होना चाहिए। बैटरी इशू है या डिस्प्ले इशू है, जो भी, तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए ताकि कस्टमर को एक आइडिया लग सके कि क्या इशू आया था और कैसे रिजॉल्व हुआ। बस यही था। दोबारा मेरा एक और इशू आया था, वो मुझे अगस्त या सितंबर में कुछ आया था, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है मुझे, जिसे अपना ये जो मेन पावर बटन रहता है उससे ऑन नहीं होता था, ठीक है। अच्छा। जैसे अपन इसको दबाएंगे तो अपना स्क्रीन जैसे ऑन होता है, ठीक है, ऑन होता है, तो मेरा ऐसा स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने ना उस टाइम क्या अपने मुँह वैसा आ गया था, तो मेरे लिए एक बेनिफिशियल था कि मोबाइल ऐप से ऑन हो जा रहा था, तो उसमें क्या एटलीस्ट मेरे को कहीं भी जाना रहता तो मैं चले जाता था, लेकिन ये इशू मेजर था। तो मैंने सर्विस बुक किया, उस टाइम मेरे को सबसे सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मिला। होम विजिट आके जो अपना वायर हार्नेस रहता है कुछ, वो आके पूरा उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया, तो वो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि हाँ, सर्विस थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो अपना, जैसे नॉर्मल कहीं सर्विस सेंटर नहीं है, ठीक है, तो आपका सर्विस सेंटर कहाँ पड़ते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुमारी? कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? मेरे ख्याल से तो 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, लगभग 30। तो जैसे ये तो फ्री पिकअप तो दो ही बार है साल में। हाँ, तो उसके बाद तो चार्ज करता अपन है। सर्विस सेंटर जा सकते हैं तो ठीक है, कभी कभी जा सकते हैं, लेकिन कभी जैसे मेजर इशू आया, जैसे अपन गाड़ी को ले जा नहीं पा रहे, तो वो चीज़ में कंपनी को फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए और अपना टेक्निकल सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि अभी क्या देखो, जैसे अपन दूसरी गाड़ी देखेंगे IC में, हीरो होंडा हो गया, जो भी अपना यामाहा, उसमें क्या आप सर्विस सेंटर लेके चले जाओ, आपको तुरंत सर्विस हो जाता है। और रूरल एरिया में भी आपके सर्विस सेंटर है, शहर में भी है, मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ गिने चुने सर्विस सेंटर है। अभी बोल रहे कि इस एक्सपीरियंस सेंटर में भी सर्विस ओपन होगा, लेकिन वो बात की बात है, अपन प्रेजेंट की बात करेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सर्विस अभी होम स्टेप में ही दिया जाए, और जो मेजर इशू है भले उसमें टाइम लग रहा तो सर्विस सेंटर लेके जाए, लेकिन मेन फोकस ये रहना चाहिए कि होम विजिट में ही
जो भी मेजर इशू है वो ठीक हो जाए, क्लियर होना चाहिए। हाँ तो चलिए सर आपका बताइए कुछ। मैं अप्रैल 2022 में परचेज किया था और गाड़ी मैं 15 दिन बाद चलाया तो कुछ इशू बताया गाड़ी में। मैंने सर्विस सेंटर में कॉल किया था तो वो आए थे एक दिन के लिए, ले गए थे गाड़ी में, कुछ बैटरी का इशू करके उन्होंने बताया था। और फिर उसके बाद से मेरी गाड़ी आज तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया। नहीं उसमें कोई बैटरी उटरी चेंज किया नहीं तो नॉर्मली उन्होंने शायद तक चेंज किया था शायद बताया नहीं आपको बताया मतलब हाँ चेंज किया था शायद तक उन्होंने मतलब क्लियर उतना नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है फिर उसके बाद लॉक में प्रॉब्लम आ गया था। एक दिन मैं गाड़ी में चाय पीने खड़ा था तो अचानक लॉक नहीं खुल रहा था। अच्छा तो फिर उसके बाद मैं उधर सर्विस बंदे का मेरे पास फ़ोन नंबर भी था, मैं उनसे बात किया वहाँ पे जो हेड थे तो उन्होंने फिर उसके बाद वो उनसे नहीं हुआ तो मैं 2-3 बार रिबूट किया तो फिर ऑटोमेटिक खुल गया। उनके बाद फिर उसको फिर उनको फ़ोन किया कि क्या इशू था करके तो बोलते कोई इशू नहीं आप चला सकते हो गाड़ी। वैसे अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं किया आज पूरा मतलब अप्रैल के लिए अभी 2 महीना बाकी है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं किया। गाड़ी बहुत अच्छा चल रहा है, रेंज भी अच्छा दे रहा है। चलिए मतलब आप दोनों का सर्विस रिलेटेड के इशू है लेकिन थोड़ा सर्विस मेरा भी कहना है, मैं भी विशाखापट्टनम से आता हूं। प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में, मैंने हैंडसेट चेंज किया तो स्पीकर से आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा आवाज नहीं आती है, रिसीव करता हूं तो स्पीकर से आवाज आना चाहिए ना। कंप्लेंट रेज किया आप? कंप्लेंट रेज किया उन्होंने आया उन्होंने बंदे ने उनके फोन से हो जा रहा है कनेक्ट और स्पीकर से आवाज आ रहा है पर मेरे फोन से नहीं हो रहा है। मैंने रिपोर्ट किया सब किया उसके बाद वो बताते हैं करके अपने टेक्निकल टीम से बात करते हैं करके और क्लियर अभी तो बताया नहीं है अभी तो ऐसा है। चलिए आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा राइड क्वालिटी आपका? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस राइड क्वालिटी स्मूथनेस अपने देखो जैसे अपन आईसी में देखते हैं तो बोलते हैं जापानीज में यामाहा बेस्ट है और होंडा वो क्यों जाने जाते हैं अपने इंजन के लिए और इंजन उनका बेस्ट क्यों स्मूथनेस ठीक है। तो अपन आईसी से हट के देखेंगे इलेक्ट्रिक में ना तो इलेक्ट्रिक में आप कोई भी गाड़ी लो स्मूथनेस आपको मिलेगा राइड कंफर्ट जो रहेगा वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि आप जो 10 लाख का BMW बाइक भी लोगे या स्कूटी लोगे वो भी उतना स्मूथनेस नहीं दे पाएगा ठीक। दूसरी चीज मुझे इसका सस्पेंशन अच्छा लगा। सस्पेंशन का अभी बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि सामने जो फ्रंट वाला तो उसमें देखा दो चीज है एक राइडर की गलती हो सकती है या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अपने आप कोई टूटा नहीं हर जगह एक्सीडेंट से टूटा था लेकिन टूटने से बचना चाहिए था। सस्पेंशन मुझे एक नंबर लगता है। एक्टिवा मेरे पास पहले था ठीक है मेरा पहले एक्टिवा चलाता था उससे लाख गुना अच्छा है। और मेरे को ऐसा बता रहा हूँ जैसे अपन छोटे मोटे गड्ढे तो ऐसे अब्सॉर्ब करता है कि अपन को पता ही नहीं चलता कि गड्ढा गया या ब्रेकर गया ठीक है। तो मुझे ये चीज अच्छा लगता है। सेकंड चीज हैंडलिंग हैंडलिंग जैसे अपन अगर 100 में भी जाएंगे ना वाइब्रेट नहीं होता, नहीं होता। आप एक्टिवा में जाके देखना या कोई भी अदर तो जाएगा एक्टिवा पहले ठीक है और 100 तो पहली बार जाता नहीं है ठीक है। और दूसरी चीज मुझे इसका हेडलाइट अच्छा लगा। हेडलाइट ऐसा है कि अच्छे अच्छे बाइक जो रहते हैं उनका फेल है हेडलाइट ठीक है। और दूसरी चीज मुझे इसका ट्रंक अच्छा लगा ठीक है वो प्रैक्टिकल बनाते हैं गाड़ी को। अपन कहीं भी जैसे जा रहे हैं अपन को एक कैरी बैग कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है। बहुत बड़ा ट्रंक है। दूसरा चीज मुझे इसका टायर अच्छा लगा। टायर वाइड है अच्छे है 12 सेक्शंस के ग्रिप अच्छा देते हैं कॉर्नरिंग में भी कॉन्फिडेंट फील होता है ठीक है। और मुझे दूसरा चीज बस इसका ये कमी लगा जो अपना पीछे ग्रैब रेल है थोड़ा अच्छे क्वालिटी का देना था मेटल का देना चाहिए था। मेटल का देना चाहिए था जैसे क्या है उसमें अपन जैसे गाड़ी को वो करते हैं तो पिलियन को कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं भी कभी बहुत बार पिलियन में बैठा हूँ तो पिलियन में उतना कंफर्ट नहीं है, होता है। पीछे बैक रेस्ट नहीं है और जो ग्रैब रेल है वो उतना सपोर्ट नहीं देता। अभी एक्सरीज में तो निकालना चाहता ग्रैब रेल का और बैक रेस्ट का लेकिन अब उसका अनाउंसमेंट किया है। एक फीडबैक है जो S1 एयर है ना उसका जो ग्रैब रेल है वो सही बैठा है। हाँ मेटल का है। हाँ वो मेटल का है उसमें क्या है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील आएगा जैसे कभी आपको डबल स्टैंड मारना हो या कभी टाइट पार्किंग है तो आप पीछे पकड़ के हिला नहीं सकते जैसे अपन ने बहुत वेट है 120 केजी वेट है ठीक है। और दूसरी चीज मेरे को इसका वो लगा जैसे अपना जो पावर है मोटर का तो उसमें अपना 3 मोड देते हैं जनरली नॉर्मल स्पोर्ट्स हाइपर। तो जैसे अपन किसी को भी गाड़ी दे रहे फॉर एग्जांपल मेरे फादर भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको मैं नॉर्मल मोड में ही हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो तो मैं मोड का बटन ही नहीं बताया क्योंकि नॉर्मल मोड डेली राइड के लिए बहुत सफिशिएंट है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल 150cc की बाइक का वो चाहिए पावर चाहिए एंड थ्रिल चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड इनफ है और हाइपर मोड तो 2cc के अबव है। हाँ तो मेरा यही कंसर्न। आपका ब्रेकिंग कैसा लगा आपके एक्सपीरियंस में? ब्रेकिंग एक नंबर है। बस ये है आप दोनों ब्रेक को ना जैसे
50 के ऊपर अगर आप ब्रेकिंग करोगे तो पीछे टायर स्किड होता है, स्किड होता है क्योंकि CBS है, और CBS में क्या है जो रियर व्हील है वो लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता तो है। मेरा यही कंसर्न है, जैसे अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक करना है ना तो आप पहले रीजन देके ब्रेक दबाना है, ब्रेक दबाओ जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी स्किड होती है, बहुत लॉन्ग गिरे। सर आपका गुड एक्सपीरियंस क्या ओला के साथ में, राइडिंग क्वालिटी सब कुछ बता दिए, ब्रेकिंग ब्रेक भी बहुत अच्छा है, और जैसे ब्रेकर में आप गियर बाकी गाड़ी गियर चेंज करती रहती है ये उस समय उस पिकअप ले लेता है और उनसे आगे भी निकल जाता है, वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में सबसे बड़ी बात। और मेरे पिताजी इसमें बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि इसमें जर्क नहीं लगता है, जबकि मेरे पास एक प्लेजर है उसमें बैठते हैं तो उसमें बहुत जर्क लगता है, उनको बताते हैं तकलीफ होती है, और ये बहुत कम्फर्ट है गाड़ी हर चीज़ में, बहुत वैल्यू फॉर मनी आज के टाइम है जो मार्केट में यात्रा भी है, लेकिन 160-170 तक है। ये इलेक्ट्रिक सेवर भी है, इसमें ज्यादा बिजली भी ज्यादा नहीं आता, ज्यादा 2 मिनट का खर्चा है, चार्ज कर लो गाड़ी बहुत। पर एक चीज अभी थोड़ा सा हाल ही में वो लेडीज का एक एक्सीडेंट हुआ था तो वो थोड़ा डर एक लग गया कहीं ना कहीं, बताया था अपने पापा को भी बताया था मैंने, तो वो थोड़ा सा एक डर बैठा हुआ है। अभी सुनने में आया कुछ फोटो भी शेयर हुआ हमारे ग्रुप में मॉडिफाई करके किया करके, हो सकता है चेंज करेगा, कंफर्म करके मैं भी एक वीडियो अपलोड करता हूं। स्कूटर को शायद तक उन्होंने बेचा है जैसे 1.5 लाख, तो उनका भी शायद उनका चेंज कर देना चाहिए, देखते आगे क्या होगा। ओला का सीरियसली लिया इस बात के लिए, इस चीज में अगर वाकई में फॉल्ट है तो उसको कंपनी को चेंज करना चाहिए। बाकी आपका सस्पेंशन कैसा सर, अच्छा है? बहुत लग्जरी है, ऐसा किसी कोई गाड़ी में नहीं होगा सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, और राइड क्वालिटी अच्छा, ब्रेकिंग अच्छा, सबसे बेस्ट है, वाइब्रेशन नहीं है। आप 100 के 90 मैक्सिमम 90 की स्पीड में चलाया हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं है, दो जन को बैठा के भी चलाया हूँ, पिकअप अच्छा है, मैं भी 15,000 क्रॉस किया मेरा भी। आपका कितना राइड हो गया सर अभी तक? मेरा 65 जाना 65 आना होता है वन डे में। हाँ, और ये 7,000 किलोमीटर चलाया हूँ। और आ जाना है, एवरेज बता रहा हूँ आपका जो फुल चार्ज में कितना चार्ज देता है, कितना किलोमीटर में? नॉर्मल राइड में 40 तक दे देता है, एक तो 140 कई आदमी हमारे ग्रुप में ये भी शेयर करता है 80 आता है, कहीं 17 आता है, मैं भी नहीं मानता हूँ, नहीं आता S1 में भी इतना नहीं आ रहा था, S1 प्रो में ज्यादा आना चाहिए स्पीड, उन्होंने ज्यादा चलाते होंगे 60-65 के वो चलाने से कम हो जाता है, वो कम आएगा। आपका क्या एवरेज है? मेरा 150 नॉर्मल, जैसे एक काफी अच्छा रेंज है। हाँ, बहुत अच्छा रेंज है। मैं फुल चार्ज में कितना आ रहा है? फुल चार्ज में वही 150, बट ये है कि एकदम अगर आप 6-7% तक चलाओगे तो दे रहा है। जनरली मैं बैटरी को 20% के नीचे जाने नहीं देता, ठीक है, क्योंकि बैटरी की हेल्थ के लिए थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और जनरली अपन जैसे 2-3 दिन के आइडियल कंडीशन में रखते हैं तो मुझे 135 तो ऐसे ही मिलता है, तो रेंज अच्छा है S1 Pro का। अच्छा, और बस ये जैसे आपके वेट के ऊपर है, वेट के ऊपर कंपनी ने 70 kg बोला, 33 PSI उससे ज्यादा में मेरा वेट है 78 kg, तो मैं जनरली लगता हूँ 33 से 35 kg, तो उसमें क्या है जो टायर का मूवमेंट है वो अच्छा होता है, मैं भी 35 भरता हूँ, 33 बोलने से 35 भरता हूँ, क्योंकि वेट ज्यादा होने से थोड़ा दबता है, उसमें भी माइलेज कम आता है। टिप्स और देना चाहूंगा, जो हमारे जो ब्रेक है उसको हमेशा आपको कीचड़ जब भी पड़ा पानी से अच्छा दो, क्योंकि जो ब्रेक पैड है ना वो जल्दी रगड़ते है, रगड़ने से क्या आपका रेंज इम्पैक्ट होता है। तो अभी तक ब्रेक पैड चेंज कराया आपने? नहीं, नहीं, अभी तक नहीं कराया। तो आप कराया? अभी नहीं कराया। मैं 10,000 किलोमीटर फ्रंट का चेंज कराया था, अभी 12,000-11,000 रियर का चेंज कराया था मैं। डिपेंड ये भी करता है सर कि अगर 2% ज्यादा हैवी वेट करेंगे ना तब आपका एवरेज जो है थोड़ा कम जाएगा, कम हो जाता है वो, तो डबल्स में कोई पेट्रोल बाइक में भी कम होता है, मोटर में लोड पड़ता है, पेट्रोल गाड़ी में भी होता है, ऐसे मैंने आजमाया। मेरा बस एक एक्सपीरियंस था, जैसे मैं एक बार भिलाई टू रायपुर गया था तो उस टाइम रोड अच्छा कंडीशन में नहीं था, और मैं पिलियन के साथ गया तो मुझे रेंज बहुत ड्रॉप मिला, तो मतलब ये है जिसके यहाँ अगर बैड रोड है या एकदम अनइवन रोड है तो उनके लिए रेंज ड्रॉप नॉर्मल है, क्योंकि गाड़ी को क्या है नॉर्मल फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए रहता है पावर, क्योंकि प्लेन रोड में क्या है कोई भी गाड़ी इजीली निकल जाएगी, लेकिन ऑफ रोड में रेंज बहुत ड्रॉप होता है। चलिए, आने वाला टाइम है, किसी को आप सजेशन करना चाहते हैं तो S1 Pro करने के लिए आपका मैं क्या करता हूँ, बट मैं उनको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका रनिंग ज्यादा तभी लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत लोग हैं जो 10-15 किलोमीटर का रनिंग जरूरत नहीं है तो उनके लिए जरूरत, बैटरी फालतू या S1 अभी एयर आ रहा है वो चलेगा आएगा तो मैं वो रिकमेंड कर सकता हूँ। और आपका क्या राय है? डिस्टेंस के लिए S1 Pro बेस्ट है, और S1 Pro ही लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैटरी ज्यादा चार्जिंग लंबा रहेगा, चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेंज भी अच्छा मिलेगा,
S1 में थोड़ा सा रेंज थोड़ा कम हो जाता है। S1 में रेंज कम होता है, लोकल चलने के लिए सबसे बेस्ट S1 ही ठीक है सर। ठीक है, कम पैसा में आता है, 1,10,000 है, वैल्यू फॉर मनी है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग इतना दूर से मेरे लिए आया हुआ है, चलो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सबको नमस्कार, थैंक यू।